जय हो श्री गणेश की, मां शारदा प्रणाम। श्री शंकर के संग भवानी, सिद्ध करे सबका। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। प्रिय शिव भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी, पालनहार श्री विष्णु भगवान और तारणहार श्री भोले भंडारी हैं। ये अपने भक्तों पर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो मानव भी हृदय से शिव जी का ध्यान लगाकर उनकी पूजा अर्चना और गायन करते हैं, भोलेनाथ उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पल भर में पूर्ण कर देते हैं। गिरजापति तरह तरह की लीलाएं रचकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। तो आइए एक ऐसी ही लीला का वर्णन मैं आपके सम्मुख पेश कर रहा हूं। वैसे तो प्रभु शिव शंकर के असंख्य भक्त हुए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्त जिसको माना जाता है उसमें एक पुजारिन भी है जिनका नाम है रानी चांगुणा। यह कथा स्कंद महापुराण से ली गई है। तो भक्तों, आइए इस मोक्ष दायिनी कथा को सुनिए और एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोलिए जय शिव शंकर भगवान की। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। एक बार मुनिवर नारद जी पहुंच गए शिवलोक में, पहुंच गए शिवलोक में। शिव के संग उमा बैठी थी, सुंदर था संयोग ये, सुंदर था संयोग ये। एक बार भगवान शिव के साथ पार्वती जी बैठी कुछ सोच विचार में मगन थी, तभी मां नारद जी आ पहुंचते हैं और भगवान शिव और उमा जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, नारायण नारायण। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, एक बात बताइए, आप तो तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हैं ना? हाँ माते। तो कृपा करके ये तो बता दीजिए कि मेरे प्रभु शिव जी का इस समय तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ परम भक्त कौन है? नारद बोले जय बम भोले, भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ। नारद बोले जय बम भोले, जय हो उमा भवानी की,
धरती पर चांद उड़ रानी, जय बोल रही शिवदानी की, जय बोल रही शिवदानी की। राजा रानी दोनों जग में शिव के भक्त महान री, सबसे बड़े भक्त में गिनती है चांगुणा महारानी की, है चांगुणा महारानी की। नारद जी माँ पार्वती को ये बताते हैं कि हे माते, हे भवानी, इस समय संसार में कांति नगर की महारानी चांगुणा सबसे श्रेष्ठ शिव भक्त है। अतिथि सत्कार, द्वार पर आए याचक को भिक्षा देना वे अपना परम धर्म समझती है। नारद जी की ये बात सुन पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती है, हे पतिदेव, कृपा कर जगत में विचरण करने चलिए। ये रानी चांगुड़ा कौन है, क्यों ना चलकर देखा जाए। जैसी आपकी इच्छा, आपकी इच्छा को मैं कैसे टाल सकता हूँ, चलिए चलते हैं। और इस तरह योगी भिक्षु का भेष बनाकर शंकर जी चल पड़ते हैं। पार्वती जी भी अदृश्य होकर उनके साथ कांति नगर में प्रवेश करती हैं। देखिए तब क्या होता है। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। आइए मुनिवर, आइए आइए लीजिए मुनिवर, आइए मुनिवर। हे योगी श्रेष्ठ, मेरी भिक्षा का थाल भी स्वीकार करें। नहीं देवी चांगुड़ा, मुझे तुम्हारी भिक्षा स्वीकार नहीं है, मैं तुम्हारी दी हुई भिक्षा नहीं लूंगा। भिक्षा देने लगी चांगुड़ा, योगी ने इनकार किया, सबसे भिक्षा ली किन्तु इस भिक्षा का प्रतिकार किया, भिक्षा का प्रतिकार किया, अपमानित हो गई चांगुड़ा। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, अपमानित हो गई चांगुड़ा, भर आई आंखें उसकी, सबका दान लिया प्रभु जी, क्यों मेरा दान न लोगे जी, मेरा दान न लोगे जी। इस भिक्षा में कमी है क्या, जो ठुकराते हो दान जी, ऐसा क्या अपराध हो गया, क्यों रूठे श्रीमान जी, क्यों रूठे श्रीमान जी। योगी बने शिव चांगुड़ा से कहते हैं, चांगुड़ा, मैं तुम्हारा दिया हुआ दान नहीं ले सकता। क्यों बाबा, ऐसी क्या कमी रह गई मेरे दान में जो आप इसे ठुकरा रहे हैं। चांगुड़ा, क्योंकि तुम बांझन हो, निसंतान हो, मैं निसंतान के हाथों का दान लेना पाप समझता हूँ। बोली रानी है बाबा, संतान विधाता देता है, पर इसमें मेरा दोष है क्या, ये तो कर्मों का लेखा है, ये तो कर्मों का लेखा है। मैं अपने कर्मों से हारी, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, मैं अपने कर्मों से हारी।
तुम्हारी बांझन हूँ, निर्वंचन हूँ। भोले बाबा दया करें, मैं उनकी एक पुजारन हूँ, उनकी एक पुजारन हूँ। भोले बाबा जब चाहेंगे हो जाए संतान भी, तुम तो मान करो बाबा, क्यों करते हो अपमान जी, क्यों करते हो अपमान जी। चांगुड़ा योगी से फिर बोलती है, हे बाबा, संतान तो विधाता देते हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? जब भोले बाबा की कृपा बरसेगी तो संतान भी हो जाएगी। सारी दुनिया मुझे बांझन निसंतान कहकर अपमानित करती है, मैं आंसुओं का घूट पी पी कर रह जाती हूँ। भगवान के लिए आप तो मेरे दान का अपमान मत कीजिए। हे चांगुड़ा, तेरी शिव भक्ति के आगे आज इस योगी को झुकना पड़ा। ला अपना दान मुझे दे और ये फल ले, इसे तू प्रसाद रूप में ग्रहण कर ले, तुझे अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तेरे जैसी भक्तन शिव की मैंने देखी नहीं कभी, और मैं प्रसन्न हो गया हूँ तुझसे। दे दे भिक्षा दान अभी, दे दे भिक्षा दान अभी, भोले तेरा भला करे। भोले नाथ, भोले नाथ, भोले नाथ, भोले नाथ, भोले नाथ, भोले नाथ, भोले तेरा भला करे। तू जग में एक मिसाल बने, ये फल ले प्रसाद रूप में, जा तुझको एक लाल मिले, जा तुझको एक लाल मिले। खुश हो गई रानी चांगुड़ा, लिया खुशी से दान जी। भक्तन प्रेम के आगे देखो, हारे शिव भगवान जी, हारे शिव भगवान जी। दिनों के बाद भोले बाबा की कृपा से चांगुड़ा गर्भवती हो जाती है। राजा श्रेयाल और चांगुड़ा का तो मानो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। झूम रही खुशियों से रानी, सोच रही अपने मन में, सोच रही अपने मन में, अरे भर जाएगी गोदब मेरी, लाल हंसेगा जीवन में, लाल हंसेगा जीवन में। कुल दीपक होगा मेरा मुन्ना, भोले नाथ, भोले नाथ, भोले नाथ, भोले नाथ, भोले नाथ, भोले नाथ। कुल दीपक होगा मेरा मुन्ना, उजियारा हो जीवन में, गूंजेगी किलकारी घर में, मुन्ना खेले आंगन में, मुन्ना खेले आंगन में। पढ़ लिख कर विद्वान बनेगा मुन्ना मेरा प्राण री, भक्ति सिखलाऊंगी उसको शिव भोले भगवान की, शिव भोले भगवान की।
और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है कि जब एक सेविका चांगुड़ा रानी और राजा श्रेयाल को ये खुशखबरी देती है। महाराज महाराज, महारानी ने राजभवन में एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। सुनिए ना, उस बालक के रोने की आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही है। धन्य हो देवी, तुमने मेरे कुल का दीपक देकर मुझे धन्य कर दिया। स्वामी, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। कैसी शंका? योगी भिक्षुक के रूप में कहीं मेरे भोलेनाथ तो नहीं आए थे, जिनके प्रसाद से मेरा लाल पैदा हुआ है। चांगुड़ा, तुम्हारा सोचना सच हो सकता है। शायद वो भगवान भोलेनाथ ही होंगे। तुम्हारा दुख जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वे तुम्हें पुत्र रत्न देकर वापस चले गए। राजभवन में बजे बधाई, गांव नगर खुशहाल हुआ। पर जन्मोत्सव मना धूम धाम से, चांगुड़ा को लाल हुआ। चांगुड़ा को लाल हुआ, नामकरण हुआ बच्चे का। पंडित राजा बुलवाए, चिलिया नाम पड़ा बच्चे का। राजान धन बटवाए, राजान धन बटवाए। खुशियों से दिन बीतने लगे, जग में राजा रानी के। अरे बालक बड़ा हो रहा था, जय गूंजे शिवदानी के, जय गूंजे शिवदानी के। चिलिया बालक 5 साल का, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चिलिया बालक 5 साल का, सुंदर चंचल लाल हुआ। सारे सुख सारे खुशियों से बचपन बहुत निहाल हुआ। बचपन बहुत निहाल हुआ। माँ कहती है पुत्र कृपा तू है शंकर भगवान की। चिल्लिया करने लगा माँ के संग भक्ति शिव भगवान की, भक्ति शिव भगवान की। तो भक्तों, इस तरह से भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी चांगुड़ा को पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उनका नाम चिलिया रखा। समय का पहिया कभी रुकता नहीं। समय बीतता गया, चिलिया धीरे धीरे अब 5 साल का हो गया था। रानी चांगुड़ा ने चिलिया को बताया कि बेटा चिलिया, तेरा जन्म भगवान शंकर की ही कृपा से हुआ है। भगवान शिव की महिमा का बखान अपनी माता से सुन चिलिया भी अपनी माँ के साथ भगवान शिव की भक्ति करने लगा। एक दिन चिलिया ने अपनी माँ यानी रानी चांगुड़ा से पूछा, माँ तू मेरे साथ प्रतिदिन शिव जी की पूजा करती है, उन्हें पुकारती है, लेकिन वो तुमसे मिलने नहीं आते। बेटा, सारी दुनिया उनकी संतान है, वे सबसे मिलने आते हैं। जब हमसे मिलने की बारी आएगी तो अवश्य आएंगे। माँ, मुझे शंकर जी को देखने का मन कर रहा है। देख बेटा, यही शंकर भगवान है। नहीं माँ, ये तो बोलते ही नहीं है। प्रेम से भक्ति करोगे तो अवश्य ही इस मूर्ति से प्रकट होकर बोलने लगेंगे। कब आकर बोलेंगे माँ? मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। चल भोजन पर बैठ, वो शीघ्र आते ही होंगे। नारद खड़े द्वार पे देखे भोले उमा भवानी को, भोले उमा भवानी को। चरण दबाते देख उमा को, हर्ष हुआ मुनि ज्ञानी को, हर्ष हुआ मुनि ज्ञानी को। गिरजापति गिरीश की जय हो, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ।
प्रजापति गिरीश की जय हो। नारद ने जयकार किया, मुनि को देख उमा भी बोली, मुनि प्रणाम स्वीकार किया, मुनि प्रणाम स्वीकार किया। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। प्यारे भक्तों, जब एक बार फिर नारद जी भोले बाबा के पास यूं ही गए, तो उस दिन भी माता पार्वती ने एक बार फिर वही बात नारद जी से दोहराई। हे मुनिदेव, अब तो काफी समय बीत चुका है, अब तो ये बताइए कि इस समय तीनों लोगों में कौन सबसे बड़े शिव भक्त हैं? नारायण नारायण। भवानी, आज भी आपकी शंका का कोई समाधान नहीं है। आप माने या ना माने, आज भी कांति नगर की महारानी चांगुणा ही सबसे बड़ी शिव भक्त है। जब से शंकर जी के वरदान से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसकी भक्ति दुगनी हो गई है। नारायण नारायण। सुन के मुनि की बात भवानी चिढ़ गई वो अपने मन में, बड़ी ईर्ष्या हुई उमा को, आखिर ऐसा क्या उस भक्तन में, ऐसा क्या उस भक्तन में। भक्तों, नारद जी की इतनी बात सुन गुस्से में माता पार्वती भगवान शिव से क्या कहती हैं? हे नाथ, आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि आपका श्रेष्ठ भक्त कौन है। आज तो आप परीक्षा ले ही लीजिए। परीक्षा बहुत ही कष्टकारी होती है देवी। कुछ भी हो भोलेनाथ, लेकिन आपको चांगुणा की परीक्षा लेनी ही होगी। भाई, तुम्हारी हट के आगे तो मैं भी हारा। अगर ऐसा है तो चलो पार्वती, मैं ओघड़ का रूप बनाकर धरती पर रानी चांगुणा की परीक्षा लेने चल रहा हूँ। रूप कुरूप काला कलोटा बना के शिव ओघड़ दानी, अरे पार्वती के हट पर आए धरती पर अंतर्यामी, धरती पर अंतर्यामी। पलक जगाया ओघड़ ने, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। अलख जगाया ओघड़ ने, वो बोला जय जय बम भोले, सतना डिगे धर्म न डूबे, खुश हो जाए शिव भोले, खुश हो जाए शिव भोले। मन चाह भोजन करवा दे तू शिव भक्त महान री, बरसों से ओघड़ भूखा है, हो तेरा कल्याण री, हो तेरा कल्याण री। माता पार्वती के एक बार फिर हट करने पर भोले बाबा चांगुणा के द्वार पर ओघड़ का भेष बनाकर आते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, वर्षों का भूखा हूं, कोई शिव भक्त
मुझे भोजन देकर तृप्त कर दे, बड़ी कृपा होगी। महाराज, महल के बाहर मुझे किसी भूखे औघड़ की आवाज सुनाई दे रही है। अरे कोई है इस नगर में जो इस भूखे औघड़ को भोजन खिला के तृप्त कर दे? महाराज आइए पधारिए। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। महाराज आसन ग्रहण कीजिए। अभी स्वर्ण कलश में रखे गंगा जल से आपके पाँव को धोकर भोजन लाती हूँ। वर्षों का भूखा हूँ चांगुणा, किसी ने भी मुझे मनचाहा भोजन नहीं करवाया। लीजिए महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए। ये भोजन नहीं चांगुणा, मैं इस भोजन को ग्रहण नहीं करूँगा। ठीक है महाराज, मैं स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर लाती हूँ। रानी गई रसोई घर में भोजन स्वयं बना लाई, भोजन स्वयं बना लाई। कई थालियां कई तरह के भोजन उनमें ले आई, भोजन उनमें ले आई। 56 व्यंजन स्वाद भरे, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अरे 56 व्यंजन स्वाद भरे, बोले आई पकवान जी, हाथ जोड़ कर बोली चांगुणा, अब खाओ भगवान जी, अब खाओ भगवान जी। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। भगवान शिव की बात मान रानी चांगुणा कई प्रकार के व्यंजन औघड़ के आगे परोसती है। मैं 56 प्रकार के व्यंजन स्वयं अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। महाराज भोजन ग्रहण कीजिए। मैं औघड़ हूँ महारानी, मैं शाकाहारी व्यंजन पसंद नहीं करता, मुझे मांसाहारी भोजन चाहिए। इतनी छोटी सी बात महाराज, मैं अभी किसी पशु पक्षी का मांस खिलाकर आपको तृप्त करती हूँ। हम सब शिव के भक्त हैं बाबा, भरा हुआ भंडार है ये, भरा हुआ भंडार है। पर इतनी छोटी बात की चिंता करते हो बेकार है ये, करते हो बेकार है ये। बकरा हिरन मुर्गा मरवाऊं, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बकरा हिरन मुर्गा मरवाऊं, मृग का हर लूं प्राण जी, हारिल हंस कबूतर सारस बनवाऊं श्रीमान जी, बनवाऊं श्रीमान जी। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। शिव के प्यारे भक्तों, रानी चांगुणा का परोसा हुआ भोजन औघड़ ना पसंद करते हुए मांसाहारी भोजन लाने को कहता है, और मांसाहारी भोजन भी अपने ही पसंद का खिलाने के लिए रानी चांगुणा से वचन ले लेता है। औघड़ रानी चांगुणा से ये बोलता है, हे रानी चांगुणा,
मैं जंगली जानवर पशु पक्षियों का मांस खाना पसंद नहीं करता। ऐसी बात है तो फिर अपनी पसंद का भोजन बताइए महाराज। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। चंगुड़ा, पहले तो मुझे वचन दे कि तू मुझे मन चाहा मांसाहारी भोजन करवाएगी, फिर मैं अपनी पसंद बताता हूँ। मैं महाकाल शिव जी की शपथ लेकर वचन देती हूँ कि आपको आपका मन चाहा भोजन करवाऊंगी। पशु पक्षी जंगली जीवों का मांस मैं नहीं हूँ खाता, मांस मनुष्यों का अच्छा हो वही मेरे मन को भाता, वही मेरे मन को भाता, मुझे खिला सकती हो तो भोलेनाथ 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 मुझे खिला सकती हो तो तुम मानव मांस खिलाओ जी, किंतु शर्त एक है सुन लो, मत गरीब मरवाओ जी, मत गरीब मरवाओ जी। सैनिक बल से हरण करो ना किसी को दो धन दान जी, ऐसा मांस नहीं खाऊंगा ये भी तुम लो जान जी, ये भी तुम लो जान जी। भक्तों, ओघर की बात सुन, राजा रानी दोनों ओघर से कहते हैं। ओघर साधु होकर आप मानव मांस खाने की बात कर रहे हैं महाराज, ये आपको शोभा नहीं देता। चंगुड़ा, अरे मूर्ख, अभी तुमने शिव के सम्मुख मन चाहा भोजन करवाने का वचन दिया है, क्या ये सब ढोंग है? क्या तुम्हारी शिव भक्ति दिखावा है? ऐसी बात है तो मैं भूखा ही वापस चला जाता हूँ। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो चांगुड़ा, तुम्हारी जो इतने वर्षों की तपस्या है वो नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा यश कीर्ति सभी समाप्त हो जाएगी। लो मैं जाता हूँ। नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मत कीजिए महाराज। ऐसे रूठकर मत जाइए महाराज, मैं आपके भोजन के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ महाराज। स्वयं समर्पित हूँ भगवान, मैं मांस आप मेरा खाएं, मांस आप मेरा खाएं, मन इच्छित भोजन को पाए, भूख शांत करके जाए, भूख शांत करके जाए, ऐसा नहीं हुआ जीवन में। भोलेनाथ 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 ऐसा नहीं हुआ जीवन में, भूखा कोई भी जाए, प्रभु वर मैं तो धन्य हुआ, ये जीवन आज काम आए, ये जीवन आज काम आए। अपने सत्य धर्म को मैं ना होने दूं बदनाम जी, इस तन का प्रभु भोग लगाए, बचे धर्म ईमान जी, बचे धर्म ईमान जी। राजा जब स्वयं को भोजन के रूप में ओघड़ के आगे समर्पित कर देता है तो ओघड़ कहता है, नहीं श्रीयाल, राजा प्रजा का पालनहार होता है, राज्य का संचालन करता होता है, इसलिए तुम्हारा मांस खाना उचित नहीं होगा। राजा का जीवित रहना जनता के लिए जरूरी है,
राजा का मरना ठीक नहीं, वो जीवित रहे जरूरी है, जीवित रहे जरूरी है। लेकिन राज बिना रानी के, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। लेकिन राज बिना रानी के चलता है ये जग में जी, लो स्वीकार करो बाबा ये विनती मेरी सुन लो जी, विनती मेरी सुन लो जी। आप मांस मेरा खाए हैं सेवा में श्रीमान जी, धन्यभाग्य होगा मेरा ये कहना लो मान जी, ये कहना लो मान जी। राजा की किसी भी बात को औघड़ नहीं मानता। उसके बाद रानी चांगुणा औघड़ को मनाने का बहुत प्रयास करती है और कहती है, हे बाबा, राजा का मांस खाना उचित नहीं, तो आप मेरा मांस खाकर मेरे जीवन को धन्य करें। चांगुणा, मैं औरत का मांस नहीं खाऊंगा, क्योंकि वह जननी होती है और जननी का मांस खाना उचित नहीं। ये तो बड़ी विकट समस्या है बाबा, इसका समाधान आप ही बताएं औघड़ देव, कोई रास्ता निकालिए अतिथि देव। तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है चांगुड़ा। क्या समाधान है महाराज, जल्दी बताएं। वो लाल तेरा जो नौनिहाल, जिसके अंगूरी है गाल लाल, फूलों के जैसा कोमल है, नन्ने नन्ने हैं हाथ लाल, नन्ने नन्ने हैं हाथ लाल, धूमिल हो जाए छूने से। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। वो धूमिल हो जाए छूने से, जिसका सुंदर तन है लाल, जिसके तन में और नस नस में लहू बहे है लाल लाल, लहू बहे है लाल लाल। तेरा चलिया चंचल बालक, तेरा जीवन प्राण री, मांस खिला दे उस बालक का, खुश होगा मेहमान री, खुश होगा मेहमान री। रानी चांगुणा की बात भी औघड़ ठुकरा देता है और रानी चांगुणा के कहने पर उसकी समस्या का समाधान क्या बताता है, भक्तों ध्यान से सुनिए। चांगुणा, तेरे चिल्लिया का मांस बड़ा स्वादिष्ट और मुलायम लगेगा, यदि तू मुझे उसका मांस खिला दे तो मेरी मुखाग्नि शांत हो जाएगी और तेरा जो मन इच्छित भोजन कराने का संकल्प है वो भी पूरा हो जाएगा। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, क्या यही दिन दिखाने के लिए आपने मुझे पुत्र दिया? हे नाथ, साधु ने ये क्या मांग लिया? ये शब्द सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? लगे पांव हिलने रानी के, आंसू भर आए आंखों में, आने लगे याद बीते दिन, तूफा था हर सांसों में, तूफा था हर सांसों में। सुनी थी जब कोख ये मेरी, लोग मुझे बांझन कहते, लोग मुझे बांझन कहते,
पर पापिन कहती थी ये दुनिया अपने निर्वंचन कहते, अपने निर्वंचन कहते, कान पक गए ताने सुन के। बोले ना पक गए ताने सुन के, झड़ी लगी अपमान की, आंखों में आंसू रोते थे, होठों पर मुस्कान थी, होठों पर मुस्कान थी। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। एक तरफ ओगड़ की हट थी और एक तरफ रानी चांगुड़ा का पुत्र स्नेह। रानी चांगुड़ा करे भी तो क्या करे, परेशान हो वो ओगड़ से फिर कहती है, हे बाबा, जिस पुत्र को मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है, जिसे मैंने कभी धूप भी नहीं लगने दी, अपने उसी लाल को जो हमारे कुल का दीपक है, जो मेरी आंखों का तारा है, आज मैं उस दिल के टुकड़े को कैसे मार सकती हूँ बाबा, कैसे मार सकती हूँ। अगर मुझे तृप्त करना है चांगुणा, तो तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेगी तो ले, मैं भूखा ही चला जाता हूँ। अनर्थ हो जाएगा महाराज, रुक जाइए महाराज, आप नहीं मानेंगे तो मैं अभी चिल्लिया को ढूंढ कर लाती हूँ। देर मत कर चांगुणा, मेरी भूखाग्नि बढ़ती जा रही है। ये लीजिए महाराज, मैं चिलिया को ले आई, लेकिन इस अभागन की एक मिनती स्वीकार कीजिए महाराज, मेरी आंखों के सामने मेरे लाल को कुछ मत करिएगा, कुछ मत करिएगा। वचन में बंधी रानी चांगुणा अपने चिलिया को, अपने दिल के टुकड़े को ओगड़ के हाथों सौंप देती है और उसे वहां से ले जाने को कहती है। तब ओगड़ कहता है, ओगड़ बोले, इसको लेकर किस जंगल में जाऊंगा, मैं जंगल का पशु नहीं, जो कच्चा मांस चबाऊंगा, कच्चा मांस चबाऊंगा। ले जा अपना बेटा रानी, बोले ना टुकड़े कर दे और लगन से इसे पका कर थाली परोस के भोजन दे, थाली परोस के भोजन दे। खातिर करना सीख चांगुणा, घर आए मेहमान की, कैसी शिव की भक्तन है तू, कैसा है भगवान री, कैसा है भगवान री। तो ओगड़ रानी चांगुड़ों को कहता है, जा ले जा अपने बेटे को और खुद अपने हाथों से काट कर और अच्छी तरह पका कर थाली में सजा कर मुझे परोस। पत्थर सी हो गई चांगुड़ा, रंग पड़ गया है नीला, अरे असमंजस में पड़ी है रानी, गजब की है प्रभु की लीला, गजब की है प्रभु की लीला। भक्तों, ओगड़ गुस्से में लाल पीला हो
चांगुड़ा को फिर बोलता है, चांगुड़ा लगता है तू अपने दिए हुए वचन को बिल्कुल भूल गई है। अब मैं नहीं रुकने वाला, ले अब मैं जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हारा ये सारा कुल और परिवार नष्ट हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए बाबा, भक्तन का दिया हुआ वचन खाली नहीं जाएगा, मैं भी चिलिया का मांस पका कर लाती हूँ। चिलिया को ले चली चांगुड़ा, हाथों में तलवार लिया, जो ही पटक के मारना चाही चिलिया ने कर जोड़ दिया। देख रहा सहमा सामा को, बोला क्या अपराध किया, मत मारो मुझको मेरी माता, इसीलिए क्या जन्म दिया। प्यारे भक्तों, जब चिलिया देखता है कि उसकी माँ हाथों में तलवार लिए उसको मारने काटने जा रही है, तब वो बोलता है, मत मारो माँ मुझे इस तरह, मैं तो लाल तुम्हारा हूँ, तू ही कहाँ ये करती थी माँ, जीवन का मैं सहारा हूँ, जीवन का मैं सहारा हूँ, मुझे गोद में लेकर माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मुझे गोद में लेकर माँ अपने हाथों से खिलाती थी, चूम चूम कर मुकड़ा मेरा कितना खुश हो जाती थी, कितना खुश हो जाती थी, मुझे छोड़ दो करवाऊंगा तीरथ चारों धाम जी, दया करो मेरी माँ मुझ पर, तू तो बड़ी महान री, तू तो बड़ी महान री। बेटा, ओगड़ बाबा को भोजन में तुम्हारा मांस चाहिए और मैं उन्हें मन वांछित भोजन कराने का वचन दे चुकी हूँ। इस अभागन माँ की मजबूरी समझ बेटा, समझ बेटा। मेरे लाल कोई भी माँ क्यों काटेगी अपना बेटा, मेरे कलेजे का तू टुकड़ा, जीवन का है धन बेटा, जीवन का है धन बेटा, मैं कितनी बेबस हूँ चिलिया, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, अरे मैं कितनी बेबस हूँ चिलिया, कैसे तुझे बताऊँ मैं, ओघड़ का कहना है तेरे मांस को उसे खिलाऊँ मैं, मांस को उसे खिलाऊँ मैं, इधर मोह है उधर धर्म है, आगे है ईमान भी, चिलिया बोला काट दे मुझको, क्यों रोती नादान री, क्यों रोती नादान री। I'm not afraid.
भक्तों, अपनी माँ को दुखी देख अपनी माँ की सारी बात सुनकर चिल्लिया अपनी माँ से कहता है, हे माँ, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या बात हो सकती है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मेरा शरीर तेरे काम आ रहा है। धन्य हो गया मेरा जीवन और धन्य हो गई तेरी कोख माँ। तू क्यों मेरी चिंता करती है। मैं भोले बाबा से यही प्रार्थना करूँगा कि फिर से तेरी कोख से जन्म लूँ। अब इस शुभ कार्य में देरी मत कर माँ, मैं तैयार हूँ। ले माँ, मुझे काट दे और मेरा मांस ओगड़ बाबा को खिलाकर अपना धर्म निभा दे। धड़ से सिर को अलग किया फिर हाथों की बारी आई। चिल्लिया का तन उछल पड़ा तब सारी धरती थर्राई, सारी धरती थर्राई। चिल्लिया की नन्ही सी उंगली तड़प रही मछली जैसी, काट रही थी बेटे को और हाथों में खंजर चमके, हाथों में खंजर चमके। अलग किया दिल को सीने से, खींची पेट से आतरी, खंजर चला कलेजे पर, वो बन गई एक हैवान सी, बन गई एक हैवान सी। चिल्लिया के 100 टुकड़े करके मांस पानी में खौलाई, सुंदर ढंग से पका के उसको औघड़ के सम्मुख लाई, औघड़ के सम्मुख लाई। अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर जब भोजन के रूप में रानी चांगुणा वो भोजन जब ओगल के सामने परोसती है तब, ये लीजिए महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए। चांगुणा, ये भोजन है या कूड़ा है? अब क्या भूल हो गई महाराज। सिर का मांस कहां थाली में, भोजन अभी अधूरा है। अरे स्वाद है जिसमें वो तो घर में, ये भोजन तो कूड़ा है, ये भोजन तो कूड़ा है। तू कुलटा कपटी नारी है, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। अरे तू कुलटा कपटी नारी है, तेरी नीयत साफ नहीं, नहीं पता था मेरे संग में कर जाएगी घात कहीं, कर जाएगी घात कहीं। तू मुझको भोजन क्या देगी, तू तो है बेईमान री, करती है अपमान चांगुणा घर आए मेहमान की, घर आए मेहमान की। जब ओगर देखता है कि भोजन में सिर का मांस ही नहीं है तो वो गुस्से में रानी चांगुड़ा को बोलता है, चांगुड़ा, सिर का मांस थाली में क्यों नहीं है? तूने उसके सिर का मांस क्यों छिपा कर रखा है? अरे सिर का मांस ही तो सर्वोत्तम भोजन होता है। आंख, नाक, कान, मुंह और दिमाग, ये पांचों अंग नहीं रहेंगे तो भोजन मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। महाराज, की ममता अंधी होती है, इसी ममता के बस में आकर मैंने उसका सिर रसोई घर में छिपा दिया है ताकि रोज उसके चेहरे को देखकर ही अपने मन को तसल्ली दे लूंगी। लेकिन आप नाराज ना हो, मैं उसका सिर भी लेकर आती हूँ।
अभी लेकर आती हूँ। चांगुड़ा, अब तू मेरी बात को ध्यान से सुन। अब तू मेरी आंखों के सामने चिल्लिया का सर ओखल में डालकर कूटेगी, और ध्यान रहे, ऐसा करते हुए तेरी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। तू उसे मंगल गीत गाते हुए कूटेगी। चिल्लिया तू कैलाश जा रहा पार्वती के आंचल में, तुझे दुलार मिले मैया का, रहना शिव के चरणन में, रहना शिव के चरणन में, माँ के ऋण से मुक्त हो गया। मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, माँ के ऋण से मुक्त हो गया, अब तेरा क्या नाता रे, याद रखेगी बेटा दुनिया, माने तुझको काटा रे, माने तुझको काटा रे, रो भी ना पाऊं मैं तुझ पे, गाऊं मंगल गान री, मत कहना भोले से जाकर, माँ होती भगवान री, माँ होती भगवान री। प्यारे भक्तों, ओघड़ की सारी बात मान, जब रानी चांगुड़ा ओघड़ के तरीके से ही ओघड़ को भोजन परोसती है, तब ओघड़ उनसे कहता है, अरे मूर्ख, लगता है तुझे अतिथि सत्कार का तरीका नहीं मालूम। क्या मैं इस भोजन को अकेले ही खाऊंगा? तुम लोग भी मेरे साथ मिलकर ये भोजन ग्रहण करोगे। हे ओघड़ना, जिस बेटे को 9 माह तक पेट में रखा, उसी बेटे का मांस खाने के लिए आप एक माँ को विवश कर रहे हैं, ये कैसे संभव होगा? अगर असंभव है तो अब की बार मैं नहीं रुकने वाला। लो मैं चला। रूठो ना महाराज नाथ, भूखा ना हम जाने देंगे, जैसा आप कहेंगे स्वामी वैसा ही होने देंगे, वैसा ही होने देंगे। भक्तों, ओघड़ की सारी बात राजा रानी दोनों मान जाते हैं। रानी चांगुड़ा और राजा ओघड़ को मनाते हुए कहते हैं, रुक जाइए प्रभु, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, रुक जाइए। तो फिर जाओ, 3 थालियां और परोस कर लाओ। ये लीजिए महाराज। ठीक है, अब भोजन पर बैठ जाओ। महाराज, हम 3 हैं और थाली 4, क्या खाने पर किसी और को भी बुलाए हैं? चौथी थाली चिल्लिया की है, बुला ले अपने बेटे को, बुला ले अपने बेटे को, अरे वो भी भोजन साथ करेगा, तब खाएंगे भोजन को, तब खाएंगे भोजन को। भक्तों, ओघड़ जब चांगुड़ा से चौथी थाली के लिए चिल्लिया को बुलाने को कहता है, तब रानी चांगुड़ा ओघड़ से कहती है, हे ओघड़नाथ, चिड़िया का मांस तो आपकी थाली में है, फिर वो कैसे आकर खाएगा? तू आवाज लगा, चिल्ला चांगुड़ा, अगर बच्चे को काटते समय जरा सी भी शिव की भक्ति तेरे दिल में होगी, अटल विश्वास होगा, तो चिल्लिया अवश्य आएगा। चिल्लिया, चिल्लिया मेरे लाल, कहाँ है तू? चिल्लिया, चिल्लिया। पार्वती का हाथ पकड़ कर चिल्लिया भोजन पर आया, सारा मांस मिष्ठान हो गया, पांचों ने मिलकर खाया, पांचों ने मिलकर खाया।
संग शिव के चरणों में लिपट गए राजा रानी, लिपट पड़ा है साथ में चलया, देखे देव मुनि ज्ञानी देखो चांगुना चलया तो बोलना देखो चांगुना चलया को है सीने से अपने लिपटाई, कभी हाथ कभी मुंह को चूमती, आंखें उसकी भर आई पार्वती चांगुना से बोली, तू है शिव की खासरी, आज मैं कहती हूँ मैं मानू नारद जी की बात री की तेरी श्रद्धा भक्तन देख लिया विश्वासरी तुझसे बढ़कर शिव के भक्तन नहीं है जग में आजरी तेरे आगे मेरी भक्ति शिव की माया हार गई, तू अब चल शिव लोक चांगुना, भव बंधन से पार हुई राजपाट चिल्ल्या को देकर अब चल तू शिव धाम री, रानी चांगुना शिव भक्तन का दुनिया लेगी नाम री तो इस तरह रानी चांगुना अपने वचन को पूरा कर शिवजी की सच्ची पुजारन और भक्त कहाई, चिल्लिया को जीवित कर उन सब के साथ खाना खा। शिवजी चिल्लिया का राज तिलक करते हुए बोले, चिल्लिया तू आज से कांति नगर का भावी सम्राट हुआ और राजा रानी आप दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर मेरे साथ शिवलोक को चले। जैसा आदेश मेरे भगवान। भक्ति कथा चांगुना रानी की श्रद्धा है विश्वास है। अरे शिव जीवन में उन्हीं को मिलते जिनको शिव पर आस है शिव की कृपा मिलेगी उनको। बोलनाथ की कृपा मिलेगी उनको कथा सुने जो ध्यान से, भक्ति भाव से मिलते प्रभु जी, नहीं मिले वो ज्ञान से तत्क्षण भव यश मिली है कीर्ति और मिले सम्मान जी, शिव की भक्तन रानी चांगुना जग में हुई महान जी। हे प्यारे शिव भक्तों, यह कथा आस्था और विश्वास की है। इस प्रकार का त्याग और बलिदान कभी हुआ करता था, आज के युग में
इसकी आवश्यकता नहीं। आज तो यदि पल भर भी सच्चे मन से भगवान को याद किया जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तुलसीदास ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। प्रभु की कथा का कोई अंत नहीं है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भक्तों, यदि यह कथा सुनाते हुए मुझसे या गीतकार से किसी भी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि भगवान शिव की आस्था आपके मन में हमेशा बनी रहे। बस इतना कहते हुए मेरे साथ आप एक बार जोर से भोलेनाथ का जयकारा लगा दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए भोले भाले बाबा की, बोलिए शिव भक्त रानी चांगुड़ा की। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की।